हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स मैं उनराधा और आज के सेशन में मैं कुछ इंटरेस्टिंग टिप्स लेकर हाजिर हो चुकी हूं जिसके थ्रू आप इंस्टेंटली अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव कर पाओगे और बिल्ड कर पाओगे फॉर योर अपकमिंग एसएसबी इंटरव्यू सो पहले जान लेते सेल्फ कॉन्फिडेंस है क्या ये बेसिकली आपके अंदर जो डर है उसको जीतने का जो प्रयास है दैट इज वॉट इज कॉल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस, इन अदर वर्ड्स, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको हेल्प करता है आपकी परसेप्शन को चेंज करने में आपके अंदर जो हिम्मत है वो आपकी परसेप्शन और आपके काम में परफॉर्मेंस को भी इंप्रूव कर सकता है अब बहुत बच्चे जो हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस ना होने के वजह से बहुत सारे मिस्टेक्स एस इंटरव्यू में कमिट करते हैं देख लेते हैं ये मिस्टेक्स क्या है और ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना क्योंकि ऑब्वियसली uh, अगर आपको एक बार पता चल गया कि ये सारी मिस्टेक्स होती है बिकॉज यू आर अंडर कॉन्फिडेंट यू विल ट्राई टू अवॉइड सेम मिस्टेक्स इन योर अपकमिंग एस एस इंटरव्यू फर्स्ट ऑफ ऑल आप कुछ ऐसे कैंडिडेट्स को कॉपी करना चाहते हो जिनका परफॉर्मेंस आपको अच्छा लग रहा है सो द टिप हियर इज डो नॉट डू दैट यू आर यू आपकी अलग पर्सनालिटी है और किसी और को कॉपी करके जो आपके अंदर नहीं है वो अगर आप इंक्लूड करने की कोशिश करोगे इट विल बी क्वाइट डिफिकल्ट फॉर यू और एस एस बी जो बोर्ड के मेंबर्स हैं उनको लग ही जाएगा कि आप किसी की नकल उतारने की कोशिश कर रहे हो सो डू नॉट कॉपी सेल्फ कॉन्फिडेंस इन अदर पीपल ट्राई टू बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ सेकेंड आप अपनी ओरिजिनेलिटी को भूल जाते हो इस चक्कर में और आपके थॉट्स प्रोसेस बहुत कंफ्यूजिंग हो जाती है जिससे आपकी एक्शंस भी कंफ्यूजिंग हो जाती है तो अगर आप अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हो और आप बहुत ज्यादा ओवर थिंक करते हो किसी भी चीज को लेकर ओवर रिएक्ट करते हो वो आपकी थॉट प्रोसेस और आपकी एक्शन पे काफी बैड इफेक्ट होती है थर्ड जब आप अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हो आप बहुत सारी चीज जो आपको ऑलरेडी पता है जो आप ऑलरेडी पढ़े हो या आप जानते हो उसको आप भूल जाते हो और एस एस बी के जो बोर्ड मेंबर्स है वो यही देखते हैं दैट यू डोंट नो अबाउट इट और यू आर नॉट सिंसियर

So that is why don't feel underconfident at all. You have to build and work on your self confidence so that you can be as much productive as you can. Also, you can keep yourself calm and composed and do not be short tempered at all. आपके पास हेडेक हो जाती है एंजाइटी हो जाती है आपको डर लगने लगता है इफ आई फेल विल हैपन तो फेलियर की चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए फल की आशा बिल्कुल भी मत कीजिए आप बस सेल्फ कॉन्फिडेंट होके जो काम आपको करना है वो आप कीजिएगा आपने आप देखोगे कि जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं किए थे वैसे रिजल्ट आपको मिल रहे हैं सो आई होप कि जब आप नेक्स्ट टाइम एस एस बीच आ रहे हो डो नॉट गेट अंडर कॉन्फिडेंट एंड डो नॉट कमिट दीज कॉमन मिस्टेक्स अब हम लोग बात करेंगे जो कैंडिडेट्स के मन में सवाल होती है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस को कैसे बिल्ड करनी है कैसे कॉन्फिडेंट फील करनी है तो मैं यहाँ पे कुछ आपके लिए टिप्स लेके हाजिर हो चुकी हूं जैसे मैंने कहा था एट द बिगिनिंग ऑफ द सेशन तो चलिए देख लेते हैं ये टिप्स क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रेस शार्प एक चीज आपको याद रखना है कि आपकी जो फिजिकल अपियरेंस होनी चाहिए वो इंप्रेसिव होनी चाहिए द वे यू कैरी योर सेल्फ द वे यू प्रेजेंट योर सेल्फ विल गिव अ ग्रेटर इफेक्ट ऑन योर सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड अदर पीपल विल आल्सो फील कॉन्फिडेंट अबाउट यू सो मोस्टली आप अपनी डेली रूटीन में डेली शेविंग रखिए बेदिंग रखिए अपनी ड्रेसिंग स्टाइल को थोड़ा सा फॉर्मल थोड़ा सा स्मार्ट बनाइए और आजकल जो लेटेस्ट ट्रेंड में चल रहा है उसके बारे में थोड़ा सा आप कॉन्शियस रहना स्टार्ट हो जाइए अकॉर्डिंगली आप ड्रेस कर लीजिए और अपनी पर्सनालिटी को आप देखोगे किस तरह इंप्रूव हो रहा है किस तरह आप ब्रश अप कर रहे हो अपनी पर्सनालिटी को जब मैं यहाँ पे ड्रेस शार्प की बात कर रही हूं मैं ये नहीं बोल रही कि आप जाके एक्सपेंसिव क्लोथ खरीद लो यू कैन चेंज योर पर्सनल एक्सपीरियंस इफ यू फील कंफर्टेबल इन योर क्लोथ सो यू जस्ट हैव टू फील कंफर्टेबल इन वॉट यू आर वेरिंग द सेकंड थिंग दट यू नीड टू टेक केयर ऑफ विच वेल्प यू टू बिल्ड योर सेल्फ कॉन्फिडेंस इज इम्प्रूविंग यूर वॉकिंग स्टाइल जब आप देखते हो कोई भी इंसान बहुत जल्दी चलता है तो आपको क्या लगता है वो जल्दबाजी में है दैट पर्सन हैव टाइम हि इज डूइंग थिंग्स फास्ट सो दिस काइंड ऑफ इंप्रेशन इज फॉर्म व्हेन यू वॉक फास्ट तो आप अपने वॉक को थोड़ा सा फास्ट कीजिए ये आपको कॉन्फिडेंट फील करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी और आप नेक्स्ट टाइम से अगर कहीं पे भी जा रहे हैं थोड़ा सा वॉक करके जल्दी वॉक करके देखिएगा कि हाउ पीपल आर नोटिसिंग एंड यू कैन फील द चेंज इन योर सेल्फ एज नेक्स्ट थिंग दैट यू नीड टू अडॉप्ट इज इंप्रेसिव पॉस्टर आपकी पॉस्चर कॉन्फिडेंट होनी चाहिए और आप भी खुद से कॉन्फिडेंट फील करोगे आप देखना आसपास के लोग भी आप पे कॉन्फिडेंट फील करेंगे सो वेन यूर सिटिंग डोंट स्लाउट डोंट लीन बैक सिट स्ट्रेट बट कंफर्टेबली आपको गुड पोस्टर्स के बारे में लर्न करना पड़ेगा इसके लिए आप बहुत सारे सोशल मीडिया या यूट्यूब चैनल्स पे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं या फिर मैं भी आपके लिए सेशंस लेके आती हूँ हाउ टू प्रेप अप योर बॉडी लैंग्वेज हाउ टू डू द हाउ टू लर्न गुड पोस्टर्स ये सारी विडियोज को आप चेक कर सकते हैं और अपने में इंप्लीमेंट कर सकते हैं आप जैसे ही अपने पोस्टर को इंप्रेसिव uh, बनाएंगे आप देखना किस तरह आप ही एम्पावर्ड फील करेंगे और कंफर्टेबल फील करेंगे उसमें नेक्स्ट थिंग इज टू मेंटेन अ फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड अपने लाइफ में जो कुछ भी आपके पास है उसके लिए आपको थैंकफुल होना सीखना पड़ेगा तो आपको एक हैबिट करनी है एंड दिस विल रियली रियली इंप्रूव योर पर्सनैलिटी एंड इंक्रीज योर सेल्फ कॉन्फिडेंस वो है कि सोने जाने से पहले आपको एक लिस्ट तैयार करना है हर दिन और उस लिस्ट में यह लिखना है कि कौन सी चीजें आपने अपने लाइफ में अचीव किया है वो चाहे छोटी सी छोटी चीज हो या बड़ी से बड़ी चीज और आपको एक लिस्ट बनानी है कि आपको क्या गेन करना है इसके साथ-साथ किस चीज के लिए आप थैंकफुल हो और आपको जब ये लिस्ट बनानी है तब आपको याद रखनी है अपने past success के बारे में या कुछ ऐसी चीजों के बारे में जो आपको खुश करते हैं जैसे कोई स्पेशल स्किल आपके पास कोई स्पेशल मोमेंट्स ओके आपकी फैमिली आपके फ्रेंड्स आपके सपने आपके पेरेंट्स और उनके सैक्रिफाइसेस फॉर मेकिंग यू अ सक्सेसफुल पर्सन इन योर लाइफ The next thing that you need to take care of is complimenting others. जहां भी आप जा रहे हो वो चाहे strangers हो उनको compliment करना सीखिए But these compliments should not be false compliments. कोई भी चीज जो आपको उनमें अच्छी लग रही हो आप उनका compliment उनको दे सकते हो हम लोग अपना टाइम वेस्ट करते हैं गॉसिप करने में बैक स्टैबिंग करने, करने में ये हमारे अंदर की नेगेटिविटी को शो करती है और ये और नेगेटिविटी हमारे अंदर बढ़ाती है और हमारे लाइफ में भी नेगेटिविटी देखने को मिलता है पर अगर आप लोगों को कॉम्प्लीमेंट करोगे इंस्टेड ऑफ गॉसिपिंग और बैक बाइटिंग देम यू विल फील दैट लोगों में आपके लिए प्यार बढ़ रहा है लोग आपको ज्यादा पसंद करने लगेंगे और अगर आप अपने लाइफ में और, और औरों के लाइफ में अच्छे चीजों को कॉम्प्लीमेंट करोगे उनको अप्रिशिएट करोगे आप अपने अंदर ही इनडायरेक्टली वो अच्छे चीजों को पॉजिटिविटी को ग्रो करते हुए जरूर देखोगे नेक्स्ट डोंट बी अ बैक पेंचर जब भी कोई पब्लिक स्पीच होता है ग्रुप डिस्कशन होती है कहीं पे भी कोई लेक्चर होता है यूजुअली लोग जो होते हैं नॉर्मली पीछे बैक बेंचेस में जाके बैठते हैं फ्रंट रो को अवॉइड किया जाता है बिकॉज उनको ये लगता है कि हमें सब नोटिस कर लेंगे या फिर हमसे कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा जो हम नहीं बोल पाएंगे तो आपके अंदर ये डर नहीं रखना है जब भी आप एस एस बी में जा रहे हो जब भी कहीं पे आप जा रहे हो हमेशा फ्रंट पे रहने की कोशिश कीजिए ट्राई टू मेक योर सेल्फ विजिबल टू द पर्सन इन चार्ज दैट इससे आप भी कॉन्फिडेंट फील करोगे और उनको भी लगेगा दैट यू आर कॉन्फिडेंट दैट्स वाई यू आर इन द फ्रंट रोड नेक्स्ट थिंग टू कंसिडर इज जब भी आप किसी भी इंटरव्यू ग्रुप डिस्कशनो एनी काइंड ऑफ सेमिनार वर्कशॉप कहीं पर जा रहे हैं वहां पर ज्यादा पार्टिसिपेट करने की कोशिश कीजिए इन द मैनर ऑफ स्पीकिंग ट्राई टू पार्टिसिपेट ट्राई टू गिव योर ओन वैलिड एंड स्ट्रॉन्ग इनपुट्स इन टू एनी काइंड ऑफ डिस्कशन सेमिनार एनी आस्किंग एनी क्वेश्चन क्लैरिफाइंग एनी डाउट क्योंकि जितना आप बात करोगे उतना आप खुद को पार्टिसिपेट करते हुए नजर आओगे और ये उतना आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा जब आप एस में जाओगे तब भी आप ग्रुप डिस्कशन में बहुत आराम से विदाउट फीलिंग शाई कॉन्फिडेंटली पार्टिसिपेट कर पाओगे उसके साथ साथ अगर आप हर दिन वर्कआउट नहीं करते आपको अपना रूटीन में वर्कआउट को जरूर इंक्लूड करना चाहिए उस केस में तो ऑब्वियसली आपकी बॉडी और माइंड को हेल्दी रखेगा और अपने एक्सपी अपनी अपियरेंस को अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने में जरूर सहायता करेगी द लास्ट थिंग दट यू नीड टू रिमेंबर इज बिकम अ कॉन्ट्रीब्यूटर बाई हेल्पिंग अदर्स कहीं पर भी आप जा रहे हो किसी को भी मदद करने में पीछे मत हटिएगा ऑलवेज बी अ हेल्पिंग हैंड टू अदर पर्सन इन योर लाइफ एंड ऑल्सो यू नो अराउंड योर लाइफ वो चाहे आपके स्ट्रेंजर्स हो या आपके बहुत ही करीबी दोस्त हो इससे आपकी पर्सनैलिटी इंप्रूव होगी और आप में लोगों का लोगों के लिए लोगों के अंदर जो आपके लिए लाइकिलिटी है वो भी बढ़ेगा और आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ना स्टार्ट होगा सो so आई होप कि सेशन काफी यूजफुल था आपको पता चल जाएगा गया है किस तरह आप अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस को इंस्टेंटली बिल्ड कर सकते हो जो सिर्फ आपके एस में नहीं आपके लाइफ में भी काफी हेल्पफुल होने जा रहा है तो ऐसे टिप्स के लिए आपको हमारे एस इंटरव्यू ऑनलाइन कोर्स को एनरोल करना है एंड फॉर दिस कोर्स यू हैव टू डाउनलोड क्रैक

अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एस एस बी इंटरव्यू एन डी ए सी डी एस एफ कैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एस एस बी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं